राहुल मैम थोड़ा सा हाथ उठा एक अब बस सभी से ये रिक्वेस्ट की जाती है कि वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें और जो भी लोग एलिजिबल हैं वो अपना जल्द से जल्द थर्ड डोज प्रिकॉशनरी जो डोज है जो लगाई जा रही है वो भी जल्द से जल्द लगवाएं। इसमें आज मैंने भी और एसएसपी साहब ने भी यहाँ पर हमारी अपनी जो है अपनी प्रिकॉशनरी डोज लगवाई बिकॉज एज ए फ्रंटलाइन वर्कर हमें जो है इसमें जो पब्लिक इंटरेक्शन हमारा लगातार होता है और हमारे जितने भी दूसरे पुलिसकर्मी हैं हमारे सफाईकर्मी हैं हमारे हेल्थ केयर वर्कर हैं इसी तरीके से हमारे जितने भी जो हमारे स्टाफ चाहे वो लखनपुर में कोविड ड्यूटी पर लगा हुआ है या फिर दूसरी जगहों पर कोविड ड्यूटी पर लगा हुआ है उन सबको भी प्रिकॉशनरी डोज के लिए वो भी एलिजिबल हैं और जैसे ही उनके 9 मंथ कंप्लीट होते हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट की जाती है जल्द से जल्द अपना वो प्रिकॉशनरी डोज लगाएं। हमारा लोग डिवाइन थ्रू आउट द कंट्री थर्ड वेव मुझे लगता है कि ऑलरेडी चल रही है ये हम लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग हो आपका मास्क हो या जिन लोगों को 9 मंथ्स हो गए हैं जो है वो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं कोरोना वॉरियर्स हैं उन सबको थर्ड डोज लगानी चाहिए। अभी तक मैं आपको बता दूं कि हमने करीब करीब 400 से ज़्यादा लड़के जो हमारे कठुआ पुलिस के हैं उनको डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में एक स्पेशल कैंप लगा के हमने बूस्टर डोज दी है। मैं और डीसी साहब आज चूँकि हमारे 9 मंथ्स कम्प्लीट हुए थे सेकेंड डोज के तो इसलिए हमने भी ये आज इस मौके का फ़ायदा उठाया है और हम दोनों ने बूस्टर डोज लगाई है क्योंकि हम लोग दिन में बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं।